नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों, सके साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 जनवरी 2022 के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी आज में बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं अश्व में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर अश्व में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, अश्व में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं, जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, ये दिन गुरुवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि रहेगी और दोस्तों ये दिन अश्लेषा नाम का नक्षत्र रहेगा। वहीं दोस्तों, इसके उपरांत इस दिन योग की बात करें तो दोस्तों आयुष्मान नाम का शुभ योग शाम के 3:44 रहेगा। उसके उपरांत इस दिन सौभाग्य नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, इस दिन राहुकाल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों ध्यान रहे आप यह समय कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। तो दोस्तों, इस दिन यह समय रहेगा दोपहर के 1:58 से लेकर शाम के 3:19 तक। और दोस्तों, चंद्रमा इस दिन कर्क राशि के उपरांत सिंह राशि में संचार कर जाएंगे। दोस्तों, अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते हैं। मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ लेकिन अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ मुझे जितना नहीं बल्कि जीना है। कड़वी बात है लेकिन सच बात है कि हम किसी के लिए उस वक्त तक खास होते हैं जब तक उन्हें कोई दूसरा नहीं मिल जाता। ये सच है कि अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, पर यह भी सच है कि वक्त के साथ अपनों का भी पता नहीं चलता। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई न हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। खुल सकती है गांठें बस जरा से जतन से, मगर लोग कैंचियां चलाकर सारे फसाने बदल देते हैं। बात बनती है दिल से, दिल बनता है दोस्ती से, दोस्ती बनती है प्यार से, प्यार बनता है परिवार से, परिवार बनता है घर से और घर बनता है अपनों से। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। धनी राशिफल। दोस्तों, यश में लोगों की परवाह न करके अपनी योग्यता अनुसार मन मुताबिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें, आपको अवश्य कोई उपलब्धि हासिल होगी। सामाजिक दायरा बढ़ेगा तथा रुकी हुई पेमेंट वगैरह आने से आपको राहत महसूस होगी। दोस्तों, यश में सावधानी की अगर बात करें तो कभी कभी ईगो और अति आत्मविश्वास आपको अपने लक्ष्य से यश में भटका सकता है। दोस्तों, इसलिए अपने मन को जो है संयमित रखना आपके लिए यह समय अति आवश्यक होगा। दोस्तों, किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में यश में दिक्कत अगर आ रही है तो दोस्तों घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह लें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे और दोस्तों इनसे आपको कोई समाधान भी मिलेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए जो समय होंगे, मित्रों द्वारा आपके साथ मनमुटाव को दूर करने की कोशिश की जाएगी और दोस्तों अपने अहंकार को दूर रखकर करीबी व्यक्ति को माफ करना आपको यह समय सीखना होगा। दोस्तों, परिवार और काम दोनों जगह प्रगति प्राप्त होंगी। स्वास्थ्य में भी यश में सुधार देखने की वजह से आपका उत्साह यश में बढ़ेगा। काम के बारे में कुछ नया करने की योजना भी यश में बन सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों कुछ विशेष कार्य संबंधी योजनाएं यश में क्रियान्वित होंगी। दोस्तों, घर के रखरखाव संबंधी कार्यों में भी समय यश में व्यतीत होगा। दूसरों के दुख दर्द और तकलीफ में उनकी सहायता करना तथा आपका सकारात्मक व्यवहार समाज में आपकी छवि को और अधिक यश में निखारेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें, क्योंकि दोस्तों अकस्मात ही कोई खर्चे यश में सामने आने की आशंका बन रही है। दोस्तों, अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़े सभी निर्णय आप स्वयं ही लें। अगर प्रॉपर्टी या फिर वाहन से संबंधित लोन लेने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो दोस्तों यह समय इन्हें स्थगित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों कई सारी बातों के बारे में निर्णय लेने का समय यश में आ गया है, जिसकी वजह से मन में बेचैनी सा आपको महसूस भी होगा। दोस्तों, कुछ बातों को पीछे छोड़कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए दोस्तों यश में पुरानी बातों में अधिक ना उलझें। आपके द्वारा मिला सहयोग मित्र के लिए अधिक मायने रखेगा। मन में बढ़ रही बेचैनी और गुस्से को शांत करने के लिए सांस संबंधी व्यायाम यश में जरूर करते रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आप जो है अपने कार्य को जितनी अधिक परिश्रम से करेंगे
उनके ही अनुरूप आपको उचित परिणाम भी यशोमय हासिल होगा। दोस्तों, युवा वर्ग अपने किसी दुविधा को दूर होने से राहत भी महसूस करेंगे और दोस्तों भविष्य संबंधी फैसला लेने में भी यशोमय आपके अंदर आत्मविश्वास और हिम्मत बढ़ेगी। साथ ही दोस्तों यशोमय किसी नजदीकी संबंध को लेकर आपके अंदर शक व फिर वहम जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और दोस्तों इसकी वजह से संबंध भी खराब हो सकते हैं। बेहतर होगा कि इसकी वजह से आप संबंध को खराब न होने दें और नकारात्मक बातों को अपने दिमाग में जो है उपजने ही ना दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों यशोमय आपके लिए जैसे होंगे दोस्तों काम मनचाहे वक्त पर ना पूरा होने की वजह से आपके ऊपर तनाव भी बना रहेगा, लेकिन दोस्तों काम पूरा करने के लिए अपने प्रयत्न आप करते रहें। आपको अपनी निर्णय क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यशोमय आपके लिए मार्गदर्शक कोई ना होने की वजह से अकेलापन आपको महसूस हो सकता है, फिर भी दोस्तों परिस्थिति में बदलाव अपनी भावनाओं को काबू में करके किया जा सकता है, तो दोस्तों इन पर आप ध्यान दें। इसको उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, परिस्थिति पूर्णतः आपके पक्ष में ही है। सिर्फ कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर अच्छी तरह विचार विमर्श करने की जरूरत होगी। दोस्तों धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपकी यशोमय आस्था बढ़ेगी तथा आपकी जीवन शैली में भी सकारात्मक परिवर्तन यशोमय आएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आप जो है किसी व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी किसी भी कार्य में रिस्क ना लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़े नुकसान होने की भी आशंका यशोमय लग रही है। इसके उपरांत दोस्तों घर के बुजुर्गों के मान सम्मान में भी किसी प्रकार की कमी न करें, क्योंकि दोस्तों उनकी नाराजगी घर के वातावरण में उदासी ला सकता है, तो दोस्तों इन पर भी आप ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों किसी भी विषय में निर्णय ना होने की वजह से एक जगह अटके रहने की संभावनाएँ आपके अंदर पैदा हो रही है। दोस्तों यदि आप परिस्थिति में बदलाव चाहते हैं तो दोस्तों आपके विचारों में भी बदलाव आपको करना चाहिए। हर चीज़ पर नियंत्रण करने की आपकी जो कोशिश है इसमें आपको तकलीफ दे रही है। दोस्तों केवल अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए काम करते रहें। लक्ष्य किस मार्ग से प्राप्त होगा इस बात का अधिक तनाव खुद के ऊपर ना बनाएं। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यशोमय आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे दोस्तों मार्केटिंग संबंधी सभी कामों को स्थगित रखें, क्योंकि लाभ की संभावनाएं कम ही है। दोस्तों यशोमय अपना पूरा ध्यान कार्यस्थल पर ही केंद्रित रखें, दूसरों के बजाय अपने विचारों को ही यशोमय प्राथमिकता दें। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये जो समय होंगे अपने अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, और दोस्तों इसके उपरांत आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों कारोबारी विस्तार संबंधी योजनाएं बनेंगी, परंतु उन पर निवेश करने से पहले सभी पहलुओं पर आपको विचार करना अति आवश्यक होगा। दोस्तों किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करने के लिए जो समय होंगे अति उत्तम समय होंगे, कोई भी ऑफिशियल यात्रा भी यशोमय हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके कार्य क्षेत्र के लिए जो समय होंगे, कार्य क्षेत्र में आपकी उपस्थिति होना यशोमय आवश्यक होगा, क्योंकि दोस्तों यशोमय कर्मचारियों पर अत्यधिक विश्वास करना आपके लिए उचित नहीं होगा। राजकीय मामलों को थोड़ा ध्यान से करें, क्योंकि दोस्तों किसी उच्च अधिकारी से कहा सुनी भी हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, अधिकतर व्यवसायिक कार्य निर्विघ्न पूरे होते जाएंगे, आर्थिक स्थिति भी यशोमय बेहतर होंगी, परंतु दोस्तों टैक्स और लोन संबंधी मामलों को स्थगित रखना आपके लिए उचित होगा। नौकरी पेशा व्यक्ति जो है अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करें, क्योंकि दोस्तों पदोन्नति के अवसर यशोमय बन रहे हैं। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यशोमय घर का वातावरण मधुर बना रहेगा। अचानक ही किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की वजह से मन भी यशोमय प्रफुल्लित रहेगा तथा दोस्तों यशोमय पुरानी यादें भी ताजी होंगी। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानी रह सकती है, दोस्तों उनका सहयोग करना आपके लिए आवश्यक होगा और दोस्तों इससे आपसी संबंध में और अधिक नैतिकता आएगी। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद भी अपने परिवार के लिए कुछ समय अवश्य निकालें, इससे दोस्तों परिवार में आपसी प्यार और सामंजस्य बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, दोस्तों पारिवारिक वातावरण यशोमय स्वादपूर्ण रहेगा, जीवन साथी का सहयोग आपकी कई परेशानियों का भी हल करेगा। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों यशोमय शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी, और दोस्तों इसलिए कुछ मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी अपना समय को व्यतीत करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, कभी कभी नकारात्मक विचारों के उठने से तनाव रहेगा जिसका असर आपकी शारीरिक क्षमता पर भी पड़ सकता है। दोस्तों यशोमय आप योगा और मेडिटेशन पर जरूर ध्यान दें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए यशोमय बेहतर होंगे।
इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे गलत खान पान की वजह से गैस व फिर बदहजमी जैसी शिकायत रह सकती है। दोस्तों अपना खान पान बहुत अधिक संयमित रखने की आपको आवश्यकता होगी। इसके उपरांत ही दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे आपके सेहत के लिए जो समय होंगे दोस्तों जोड़ों में दर्द जैसी समस्या बढ़ सकती है। यश में अपना उचित ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा। लापरवाही ना बरतें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा केसरिया और भाग्यशाली अंक रहेगा 5।